निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारी साझा की। सुप्रीम कोर्ट से मिला सीलबंद लिफाफे का डाटा किया सार्वजनिक। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनावों में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात कही। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। विधानसभा की 4 सीटों पर भी प्रदेश में होगा चुनाव। शाहजहांपुर की ददरौल, लखनऊ पूर्वी, बलरामपुर के गैसड़ी, सोनभद्र के दुधी विधानसभा में मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 67 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिलाधिकारी, 12 लोकसभा क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी और 1 लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में उपाध्यक्ष गोरखपुर होंगे निर्वाचन अधिकारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है और यह ईडी का 9वां समन है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4M यानी बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का होगा अनुपालन। सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। अवैध कारोबार और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजीएम अमरीश कुमार ने इंस्पेक्टर वजीरगंज को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। लक्ष्मी जी के खिलाफ की थी अशोभनीय टिप्पणी। लोकसभा चुनाव में लगने वाली रोडवेज बसों का किराया किया गया तय। पूरी बस बुक कराने पर 27,800 रूपये देने होंगे। 400 किलोमीटर तक चल सकेगी बस। यूपी में कांग्रेस हर सीट को लेकर तैयारी कर रही है। हर लोकसभा क्षेत्र की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस संबंध में प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई अन्य दलों के नेताओं को दिलाई सदस्यता। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान समेत 4 आरोपी दोषी, सजा सुनाए जाने के लिए 18 तारीख की गई मुकर्रर। सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आजम को लाया गया था रामपुर। बागपत कोर्ट ने कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ विक्रांत और उसके 2 साथियों को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया है। लखनऊ नगर निगम 31 मार्च तक अगले वित्तीय वर्ष का गृहकर एडवांस में जमा करने वाले लोगों को 10% की छूट देगा। यह सुविधा सिर्फ आवासीय गृहकर दाताओं को। प्रदेश के सभी अस्पतालों में होली पर आने होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए आपात चिकित्सा में अतिरिक्त टीमें लगाई जाएंगी। अस्पतालों की आपातकालीन व्यवस्था 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। बरसाना की लड्डू होली आज 20 क्विंटल लड्डुओं की होगी वर्षा। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जाम हुई सड़कें। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंककर होली खेलते हैं।